Hello and welcome back to our channel Mountains to Coast. So, आज के व्लॉग में हमने कवर किया है एक ऐसा अमेजिंग हिल स्टेशन जो मुंबई से काफी करीब है. इसका नाम है लोनावला. हमारे एक दिन के ट्रिप में हमने क्या कुछ कवर किया ये हम दिखाने वाले हैं इस पूरे व्लॉग में. तो आप इस व्लॉग को अंत तक देखिए एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग. लोनावला पहुंचना काफी आसान है. आइदर यू कुड हायर अ प्राइवेट कार या फिर हमारे जैसे स्टेट रन बस सर्विसेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. पूरी यात्रा बहुत ही आसान और सुविधाजनक थी. रास्ते में हमको ऐसे बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे दिखाई दिए. रास्ते में हमारी बस ने हॉल्ट किया एट खालापुर फूड हॉल और सैटरडे मॉर्निंग होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी. इस फूड हब के थोड़े आगे एट द खंडाला एग्जिट पॉइंट हमने ली ये कैब सर्विस. सबसे पहले हमने कवर किया ये राजमाची व्यू पॉइंट. बहुत ही खूबसूरत ऐसे नज़ारे दिखाई दे रहे थे यहाँ पे. एक साइड पे था मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे तो दूसरे साइड पे थे ये कुने हिल्स जहाँ से दिख रहा था ये अमेजिंग वाटरफॉल. के इस पॉइंट के पास एक फोटो बूथ भी अवेलेबल है. प्लेस लुक्स लिटिल रिस्की इसलिए थोड़ा संभाल के आपके खूबसूरत ऐसे मोमेंट जरूर कैप्चर करिए. इसके बाद हम पहुंचे हमारे दूसरे पॉइंट पे जिसको कहते हैं द ड्यूक्स नोज व्यू पॉइंट और सनसेट पॉइंट. बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसा व्यू था यहाँ पे. एक साइड पे था मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे तो दूसरे साइड हिल्स पे आपको चीटी की तरह दिखने वाले लोग हाइक करते हुए दिखाई दे रहे थे. इन सह्याद्री माउंटेन रेंजेस में हमने हमारे स्पेशल मोमेंट भी कैप्चर किए. खंडाला से उतरने के बाद आपको दिखाई देगा ये स्पॉट जिसे कहते हैं द लोनावला लेक. बहुत ही खूबसूरत ऐसा लैंडस्केप व्यू आपको यहाँ पे देखने मिलेगा. कुछ टाइम आप यहाँ पे बिता सकते हैं या फिर कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं. यहाँ पे घोड़सवारी या ऊंट की सवारी भी मिलती है जो कहते हैं कि ये पूरे लेक के 2 से 3 चक्कर कराते हैं. इसके बाद हम एक्सप्लोर करने वाले थे लोनावला. वेल, अगर लोनावला आप मॉनसून में एक्सप्लोर करते हैं तो आपको चारों तरफ बहुत ही ज्यादा हरियाली और बादल दिखाई देते हैं. ये है लायंस पॉइंट. यहाँ पे आपको बहुत सारे ईटरीज दिखाई देंगे जहाँ पे वो यहाँ के लोकल स्नैक्स सर्व करते हैं. एंड दीज आर द अमेजिंग सह्याद्री माउंटेन रेंजेस. कितने खूबसूरत दिखते हैं ना ये. इसी को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे लोग हर एक थैले से अपना फेवरेट स्नैक उठा के बैठ जाते हैं टू एंजॉय द व्यू हियर. इसके बाद हम पहुंचे एट बुशी डैम. बुशी डैम का एरिया हम आपको दिखाने वाले हैं. यस, यहाँ अभी तक बारिश इतनी हुई नहीं थी कि हम यहाँ पे वाटरफॉल या फिर उस पानी के बहाव का एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन फिर भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमने सोचा चलिए देखते हैं ये बुशी डैम का एरिया दिखता कैसा है. Thank you.
भर जाता है तब पानी का बहाव यहाँ पे छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से ये सारे स्टेप्स पानी से भर जाते हैं। मुशी डैम से थोड़ा आगे आने के बाद आपको बहुत सारी सेरामिक वेयर की दुकानें दिखाई देंगी। ये बहुत ही अलग और बहुत यूनिक डिजाइन के साथ होती है, जैसे कि ये है अ लैम्प विद अ डिफ्यूजर और ये है स्टार्टर प्लेट। ये है डिफ्यूजर जिसमें नीचे लैम्प और ऊपर थोड़ा ऑयल डाल के आप आपकी जगह अरोमेटिक बना सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे कंटेनर्स के वेरिएंट्स, थोड़े प्लेट्स और उसके अलग अलग डिजाइंस या फिर कोई स्टार्टअप प्लैटर और बहुत कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। What actually caught my attention was this terracotta कढ़ाई। अगर आपको अभी तक व्लॉग पसंद आया हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड यस कीप वॉचिंग। अगर आप लोनावला विजिट करते हैं देन हाउ कैन यू मिस आउट ऑन स्टिकीज एंड फजेस जो यहाँ पे बहुत सारे दुकानों में अवेलेबल है। बट दिस वन इज वॉट आई प्रेफर द मोस्ट, कूपर्स। ये बहुत ही लेजेंडरी ऐसा आउटलेट है। इनके दो आउटलेट्स हैं, ये हाल ही में बना जो नया आउटलेट है यहाँ पे हम पहुँचे थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अलग अलग प्रकार के फजेस, केक्स और बेकरी आइटम्स अवेलेबल है। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया चॉकलेट वॉलनट फज जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में वॉलनट और चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं, ना ज्यादा स्वीट ना ज्यादा क्रीमी लेकिन परफेक्ट ऑन कंसिस्टेंसी होता है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। आजकल लोनावला लैंड ऑफ चिकीज भी कहलाता है, यहाँ पे इतने सारे दुकानें हैं, इसमें से एक दुकान है जिसका नाम है A1 चिकी और यहाँ पे हमने भी ट्राई किए इनके फजेस और चिकीज। लोनावला के बस स्टैंड एरिया के पास हमको और एक स्पॉट दिखाई दिया जिसका नाम है गोल्डन वड़ा पाव, जो काफी मशहूर है उनके वड़ा पाव के लिए, तो इसीलिए हमने भी यहाँ पे ट्राई किया इनका वड़ा पाव एंड दे क्लेम कि इसमें नो गार्लिक नो अनियन का मिक्सचर होता है। जब हमने इसको टेस्ट किया बिकॉज ऑफ द ग्रीन थेचा ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम पहुंचे एट मैप्रो गार्डन्स जो महाबलेश्वर का एक बहुत ही मशहूर ब्रांड है विच प्रोड्यूसेस जैम्स, जेलीज टू चॉकलेट्स। ये सारे वेरिएंट्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, सो अलग अलग मिक्सेस, क्रशेस, जूसेस, बिस्किट से लेके सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है जो आप खरीद भी सकते हैं। स्टोर से थोड़े आगे ही आपको ये मैप्रो गार्डन दिखाई देगा, बहुत ही वेल डिजाइंड और वेल केप्ट ऐसा एरिया है ये। यहाँ पे बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स और फोटो बूथ्स हैं जहाँ पे आप आपके स्पेशल मोमेंट्स कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी मौजूद है जहाँ पे लाइव वुड फायर पिज्जा, सैंडविचेस, जूसेस और मिल्क शेक्स अवेलेबल होते हैं। इनका स्ट्रॉबेरी क्रीम बहुत फेमस है, सो अगर आप इस आउटलेट आते हो देन यू शुड ट्राई द पिज्जा एंड द स्ट्रॉबेरी क्रीम विच इज अवेलेबल हियर। वक्त हो चुका था वापस घर जाने का। थैंक्स टू मिस्टर कदम जिन्होंने हमें इतने सारे खूबसूरत स्पॉट्स हाफ डे के ट्रिप में कम्प्लीट कराए।
wants to do a trip similar like us, इनके contact details description box में available होंगे. I hope you liked our vlog today. If you did, please do share it with your friends, family members, and yes, subscribe and keep watching.